फ्रेंड्स आपके भी अगर चाहने वाले आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिए हैं और आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गए और आप चाहते हो कि वो अनब्लॉक करे ताकि थोड़ी बातचीत हो जाए, वापस से आप रिलेशनशिप में आ जाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है स्पेशली। तो ध्यान से देखना, मेरा नाम है सागर और बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब सामने वाला आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करता है और सामने वाला आपसे बात करना छोड़ देता है अचानक से या फिर किसी वजह से, लड़ाई झगड़ा एंड ऑल दैट, तो सबसे बुरा ये इसलिए लगता है ना क्योंकि सामने वाले ने आपको ब्लॉक करा है। अगर आप पहले ब्लॉक करते तो इतना ज्यादा बुरा आपको नहीं लगता। ध्यान से सुनना, मैं लास्ट में बताने वाला हूं कि इस चीजों को ठीक कैसे करना है, किस तरह से कौन से तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो बुरा इसलिए ज्यादा लगता है ना क्योंकि हमारा ईगो हर्ट होता है, क्योंकि हमने ब्लॉक नहीं किया, सामने वाले ने ब्लॉक किया। अगर सामने वाले को आपने पहले ब्लॉक किया होता तो आपको इतना ज्यादा दुख नहीं होता। ये बहुत ऑनेस्ट बात है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान हो, लड़के हो लड़की हो, डजंट मैटर, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपको ये बातें बहुत अच्छी लगने वाली है और ये काम भी करने वाला है आपके लाइफ में। गाइज जब सामने वाले के साथ एक रिलेशन बनता है और जब बातें शुरू होती हैं तब व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत अच्छा लगता है बात करना, लेकिन धीरे 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 जब बहुत ज्यादा एक क्लोजनेस आ जाता है उसके बाद ब्लॉक करने में भी इंसान नहीं सोचता है क्योंकि लगता है अरे ये तो अपना है, हटाओ ब्लॉक करो, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला आके मना लेगा आपको। तो इस तरीके से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से कि सामने वाला आके मना लेगा और उस एक्सपेक्टेशन पे सामने वाला नहीं उतरा, तब आपको खतरनाक बुरा लगता है। अब वो चाहे रियल लाइफ में ब्लॉक हो, मतलब कि आपसे आज बहुत अच्छी दोस्ती है, कल से आपको हम देखना भी नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस मैच होना अचानक क्यों बंद हो गई? अभी तक तो मैच हो रही थी, अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो इसीलिए क्योंकि हम जिस सराउंडिंग में है, जिस इन्वायरमेंट में है, जिन लोगों के बीच में है, वो उन्हीं लोगों के बीच में नहीं है। उसकी सराउंडिंग कुछ और है, उसके लोग कुछ और है, उसका घर का नक्शा कुछ और है, उसके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं समान है, वो कुछ और ही है, वो सेम टू सेम नहीं है। अगर एक ही रूम में एक हस्बैंड और वाइफ रहता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो वो कुछ दिन में ठीक भी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वाइब्रेशंस अनमैच हुआ तो वो एक ही जगह पे हैं, उनका सराउंडिंग लगभग सेम है, तो वो मैच फिर वापस हो जाता है क्योंकि 19-20 का वाइब्रेशंस में फर्क आता है। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात होती है तो वहां पे वाइब्रेशंस डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, मतलब कि जब मिले तब वाइब्रेशंस मैच हो गई, लेकिन उसकी सोसाइटी अलग है, सब कुछ अलग है, इस कारण से वाइब्रेशंस अनमैच होना शुरू हो गई। और उस अनमैच मतलब वो जो वाइब्रेशंस में है, उस वाइब्रेशंस में मैं नहीं हूँ, उसकी निगेटिव हो गई, मेरी पॉजिटिव ही है, या फिर मेरी निगेटिव हो गई, उसकी पॉजिटिव है, इस कारण से रिलेशनशिप में दरार आ गया, किसी भी रिश्ते में दरार आ गया, वो बॉन्डिंग नहीं रही। तो इस तरीके से, और दूसरी बात कि सोशल मीडिया साइट्स पे जो ब्लॉकिंग है, ब्लॉक से आप परेशान हो, तो यहाँ पर दुख है इस बात का है कि सामने वाले ने ब्लॉक किया, इसका मतलब कि आपके अंदर ईगो है, ईगो हर्ट हुआ है। अगर मैं ब्लॉक करता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। तो इस ईगो को कम करने के लिए आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस की ऊर्जा को बढ़ाना होगा, बूस्ट करना होगा। इसके लिए एक वीडियो है मैंने डाल रखा है कि कैसे अपने वाइब्रेशंस को हम बूस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो जाके जरूर देखना। लॉन्ग और कपूर का खेल है बस आपके वाइब्रेशंस को बूस्ट करने के लिए। किसी से भी लड़ाई हो, किसी से भी झंझट हो, किसी से भी नफरत हो, या फिर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, वो फॉर्मूला जाके अपनाओ, रिलेशनशिप अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर आपके तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, अगले की तरफ से प्रॉब्लम है, नेगेटिव वाइब्रेशंस उसके तरफ से है, तो उसको ये फॉर्मूला बताओ कि तुम ये करो, ज्यादा नहीं 7 दिन करो। 7 दिन में आपको असर ऐसा दिखेगा कि आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा कैसे हो गया, लाइक दिस। और अगर वो दूर चला गया और आप रह नहीं पा रहे हो उसके बिना किसी भी तरीके से, वो आपको चाहिए, तो सिंपल है, आप सिल्वर लाइनिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करो, मेरे चैनल पे वो वीडियो उपलब्ध है, और नहीं तो फिर आप विजुअलाइजेशन शुरू करो। विजुअलाइजेशन जब आप शुरू करोगे तो वो जो वाइब्रेशंस हैं, जो विजुअलाइज करोगे आप, दैट लविंग वे, ऐसा आपके पास है, ये कर रहा है, छेड़ रहा है, प्यार कर रहा है, घूम रहा है, ट्रेवल कर रहे हो एंड ऑल दैट, जो भी है वो विजुअलाइज जब करोगे तो वो वाइब्रेशंस आपके पास क्रिएट होंगी, और कहीं ना कहीं सेम वाइब्रेशंस उसके पास एज अ टेलीपैथी, क्योंकि उसका नाम आप ले रहे हो, उसका चेहरा आप याद कर रहे हो, तो एज अ टेलीपैथी के तरीके से वो उस तक पहुंचेगी, ट्रांसफर होगी ब्रेन टू ब्रेन। यही तो वेव्स का खेल है, यही तो वाइब्रेशंस का खेल है,
कि ये ट्रांसफर होती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ना ट्रेन, ना हवाई जहाज, ना बस, ना ओला, ना उबर, कुछ भी नहीं, ये बस ट्रेवल कर जाती हैं। इसी तरीके से तो आप यूनिवर्स से आप मैनिफेस्ट करते हो कि यूनिवर्स आप जो चाहते हो वो आपको दे देता है, बस मैनिफेस्ट करना होता है फुल डेडिकेशन के साथ, फुल पॉजिटिव एकदम एटीट्यूड के साथ। अगर आप मैनिफेस्ट करने टाइम पॉजिटिव नहीं रह पाते हो, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कंफ्यूज रहते हो, तो इसके लिए भी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो कि कैसे हम मैनिफेस्ट करें कि हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा हो। अब बात करते हैं कि अपने पार्टनर को वापस कैसे लाएं अपने लाइफ में। तो गाइस मैं आपको सीधा और सरल एग्जांपल आपको देता हूं कि आपको अचानक से आइसक्रीम खाने का मन कर गया और आप शाम को निकल गए आइसक्रीम खाने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर से निकले और सामने ही आइसक्रीम वाला दिख गया, या फिर कोई भी चीज आप सोच लो, मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल दिया, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत दूर तक चले गए पर आइसक्रीम वाला कहीं नहीं दिखा, और जब नहीं खाना होता है तो वो हमेशा दिख जाता है। तो भाई साहब ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब आप ये सोच के निकलते हो मिलेगा नहीं मिलेगा, यार कहां तक जाना होगा, यार पता नहीं, तो ये थॉट, ये वाइब्रेशंस उन चीजों को और मतलब आपको ऐसे ही रास्ते पे ले जाएगा ना जहां पे वो नहीं दिखेगा। यहां पे मैजिक नहीं होने वाला, यहां पे मैनिफेस्टेशन नहीं होने वाला, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें अपने दिमाग में ला रहे हो। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि अरे मिल जाएगा यार, निकलेंगे और मिल जाएगा, दिख जाएगा, बड़ा इच्छा हो रहा है खाने का, मैं तो खा रहा हूं, सोच रहा हूं कि खा रहा हूं, विजुलाइज कर रहा हूं मस्त एकदम ये एंड ऑल दैट, उसके बाद निकलो, देखो आपको जिस रास्ते पे कभी नहीं भी दिखा होगा उस रास्ते पे आपको आइसक्रीम वाला मिल जाएगा। सिंपल सा टेक्निक है, विजुलाइजेशन शुरू करो, वाटर टेक्निक शुरू करो, 555 टेक्निक शुरू करो, आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा, लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ, फुल पॉजिटिवनेस के साथ, तभी वो आपको मिलेगा। ब्लॉक हो, अनब्लॉक हो जाओगे, उसके बाद आप वापस से ब्लॉक कर देना ताकि आपका ईगो हर्ट ना हो, सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस को देख सकते हो, हर चीज के लिए वीडियोस पड़ी हुई हैं, और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती है। सो गाइज कीप मैनिफेस्टिंग, कीप लविंग योर यूनिवर्स, लव योर यूनिवर्स सो मच कि यूनिवर्स आपको हर वो कुछ दे जो आप डिजर्व करते हो अपने लाइफ में। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज सागर, गॉड ब्लेस।